प्यारे विद्यार्थी, आज फिर हम एक बार आपके सामने एक नए वीडियो और नए विषय के साथ एक बार फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को यह अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का विषय है हाइड्रोकार्बन। प्यारे विद्यार्थी, आज आपके सामने हाइड्रोकार्बन विषय को लेकर फिर से आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जब दोनों मिलते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो बनता है हाइड्रोकार्बन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये चार प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सरल हाइड्रोकार्बन हमारा एल्केन होता है। सबसे पहला श्रेणी में जो आता है वो एल्केन होता है। इसको समझने के लिए जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर एन लिखा हुआ है, एन होता है कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। यहाँ मैं आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ कि हम हाइड्रोकार्बन को सरल ढंग के, सहज ढंग के, एक निश्चित क्रम में और एक सरल ढंग से हम उसको किस तरह से उसका सूत्र निकाल सकते हैं और उसका नामकरण कर सकते हैं, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे कि कार्बन की संख्या एक है तो उसको मेथ, कार्बन की संख्या दो है तो उसको हम एथ कहेंगे, प्रोप तीन होता है, प्रोप होता है, चार होता है तो ड्यूक होता है, पांच होता है तो पेट होता है, छह होता है तो हेक्स होता है, सात होता है तो हेप्ट होता है, आठ होता है तो आक्ट होता है, नौ होता है नौ होता है, दस होता है तो डेक होता है। तो ये क्या है? मूल नाम, ये मूल है, मूल नाम है। अब इस नाम का उपयोग हम कहां पर करें? ठीक है, तो जैसे यहां पर देखें सामान्य सूत्र है CnH2n+2 लिखा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पर CN मतलब नंबर ऑफ कार्बन, यदि हम यहाँ पर कितना रखें, चार रख रहे हैं तो इस सूत्र में रखेंगे CnH2n+2। अब जहां जहां N लिखा हुआ है वहां वहां हमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ फोर लिखना है, चार लिखना है। तो यहाँ पर C4H2 और यहाँ पर क्या था, N है, N में चार लिखना है, तो यहाँ पर चार लिखिए, चार 4+2। अब इसको हम हल करेंगे तो चार जो है कितना हो गया, आठ हो गया। आठ में आपको कितना जोड़ना है, दो जोड़ना है। तो इस तरह से CH C4H10 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका सूत्र क्या हो गया, सूत्र है C4H10, ये हमारा सूत्र बन गया। तो इसका हम नाम क्या रखें, तो इसको नाम रखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ चार, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इसमें चार है, चार कार्बन की संख्या है। ठीक है, चार कार्बन में यहाँ पर क्या लिखा है, ब्यू लिखा है। और इसमें अनुलग्न, अनुलग्न अर्थात इसमें पीछे जोड़ने के लिए, तो चार में यहाँ पर मूल नाम क्या है आपका, ब्यूट है, क्या है, ब्यूट है। तो ब्यूट में हमको क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, एन क्या है, अनुलग्न हमें पीछे लगता है। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन करते हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, इन शब्द का जोड़ते हैं, उपयोग करते हैं। अब मूल नाम तो यही है, जैसे कि एक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मान लीजिए एन बराबर हम तीन रखें तो क्या होगा, इसमें सूत्र में रखेंगे तो C3H दोनों छह और एक सात, ये हमारा सूत्र बन गया, क्या बन गया, सूत्र हो गया। और इसका नाम क्या होगा, अब नाम में मूल नाम तीन नंबर कार्बन पर क्या लिखा हुआ है, प्रोप लिखा हुआ है, तीन है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोप लिखा है। अब इसमें अनुलग्ना क्या है, ईल है, इसमें हमको क्या जोड़ना है, ईल है, इसकी क्या नाम है, इस तरह से प्रोप ईल हो गया।
जिस तरह से इसको हम ओवल कहेंगे इसका सूत्र CGH7 होता है। इसी तरह से आगे यदि हम एक और इस कार्बन तो इस हाइड्रोजन इस सूत्र में जैसे CH8+1 इसमें एक और हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या होगा CaH8+। अब एक कम कर दिए तो मान लीजिए हम पेंट नंबर 4, 5 नंबर का देखते हैं, ठीक है, n बराबर 5 रखेंगे तो कितना हो गया C5 और 5 × 10 कितना हो गया 10। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, मूल नाम क्या है 5 नंबर में पेंट है, पेंट। अब इसमें अनुलग्न क्या है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया पेंटी ए लिखा। तो कितना हो गया यहाँ मान लीजिए कार्बन की संख्या हम कितना रखें 6 रखें, कार्बन की संख्या कितना रखें 6 रखेंगे तो 6 में कितना हो गया 12 में 2 माइनस कर दिए कितना हो गया 10 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है हेक्स लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या ढूंढना है आई ढूंढना है तो इस तरह से क्या हो गया हेक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सरल ढंग से इस दिए हुए चारों प्रकार के हाइड्रोकार्बन का सूत्र और नाम सामान्य ढंग से सरल ढंग से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल धन्यवाद हम अपने प्राचार्य महोदय श्री पूरे सर जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, मार्गदर्शन दिए, इसलिए उसका हम लोग हृदय से आभारी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।